प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वहां पर उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संग द्विपक्षीय वार्ता भी संभव दिखाई दे रही है। वो 23 सितंबर को कई मुद्दों पर बाइडेन से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा 25 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए इतना मायने रखता है क्योंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों बड़े नेता की पहली आमने सामने मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है और कई बड़े समझौते भी होते दिख रहे हैं। इसके अलावा मोदी का वार्षिक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा स्तर का हिस्सा बनना भी काफी मायने रखता है। अभी के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और पिछले ही महीने अध्यक्षता भी खत्म हो चुकी है। दौरा कितना अहम और क्या है कार्यक्रम, इन सब के अलावा 24 सितंबर को क्वाड देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हो सकता है जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी और बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशीहिदे सुगा भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान और चीन को लेकर जो बाइडेन से बात कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाल की स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये दो मुद्दे पीएम के एजेंडे में ऊपर रहने वाले हैं। वैसे भी दोनों अफगानिस्तान और चीन का अमेरिका से भी सीधा कनेक्शन है, ऐसे में इन देशों की परिस्थिति पर चर्चा होना लाजमी रहेगा। 2019 में लिया हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा। इससे पहले 2019 में भी पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम काफी सफल रहा था और पीएम के भाषण को भी लाखों लोगों ने सुना था। अब एक बार फिर पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वो फिर वहां पर संबोधन करने जा रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनका स्वागत ट्रंप की जगह बाइडेन करेंगे।